बना रही हूँ तेरा गाजर का अचार। यहाँ पर अदरक कूट रही हूँ, यहाँ ये लहसुन है और ये है प्याज। और ये गाजर हमने धो के और काट के और सुखा दी थी, तो अभी इनमें लगाऊंगी हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं भूनने तड़का, तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी अचार बनेगा। बिल्कुल बहुत ही खाने में, मतलब खाओगे ना तो अलग है स्वाद है। एक बार मैं तैयार कर लूँ फिर बताऊंगी कैसे बनाएगा। अब सोच रही हूँ अपना रोज एक बढ़िया बढ़िया रेसिपी दिया करूंगी, तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का अचार। गाइज यहाँ पर डाल लिया मैंने सरसों का तेल, और इसमें डाल दूंगी मैं सबसे पहले प्याज, इनको पहले हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पर गाइस मैं डालूंगी साइड में अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको यहाँ कर लूंगी, भून लूंगी, क्योंकि इसमें है ना इसका स्वाद कुछ अलग है, टेस्ट होगा। पहले डाल देती तो ये ज़्यादा पक जाता, कि लहसुन अदरक जल्दी पक जाए, और बहुत बाद में डाल देती तो ये कच्चा रह जाता। तो भी साथ में प्याज होते रहेंगे, और यहाँ पर मंदी आज पर अदरक और लहसुन को भून लेना। दोनों को यहाँ पर अलग अलग भूनते रहेंगे ये। प्याज क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं भूनने हैं, ये हल्के हल्के से फ्राई करने हैं। अब इनको मिक्स कर लिया। यहाँ पर मसाले में मैंने हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च और सूखा धनिया, ये सब मैंने इसमें डाल लिया है और हल्दी। तो अब ये हमारे प्याज हल्के हल्के से ब्राउन हो गए, क्योंकि ये हमने सब्जी में जो पकाव है ना ज़्यादा नहीं पकाने हैं, थोड़े से ऐसे पकाने हैं कि हाँ इनकी जो स्मेल है अदरक लहसुन और प्याज की चली जावे। तो इस तरह के कच्चे भी नहीं रहे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा पके भी नहीं है ये। और ये धीमी आँच पे लाल मिर्च और ये सारे मसाले इसमें डालने हैं, जिससे कलर बहुत बढ़िया होगा इसमें। ये वाले सारे इसमें डाल कर और इनको हिला देना है। ये धीमी आँच पे पकाने हैं मसाला, क्योंकि मसाला जल जाएगा फिर इसमें ना जो मसाले की स्मेल है वो जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो धीमी आँच पे पकाना है। देखो इसका कलर ये इस तरह का आ गया है। तो दो चार मिनट तक इस मसाले को पकाना है, और पकाने के बाद यहाँ पे मैंने कूट रखा गुड़, तो ये गुड़ भी डलेगा इसके अंदर, वो भी मैं बताऊँगी। तो इसको पहले अभी ये भूनने के बाद, तो अब इसमें गुड़ और नमक डाल दिया है मैंने, और गैस को कर दिया है बंद। बस इसको मिला कर और थोड़ी देर तक ठंडा के लिए रख देते हैं, फिर इसमें आगे का प्रोसीजर बता दूँगी। इसमें नमक और गुड़ अब डाल दिया है, तो ठंडा होने के बाद इसमें जो चीज़ डलेगी वो मैं अपने बता दूंगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। देख लो इसका मसाले का कुछ इस तरह का होया, इसका मसाला बिल्कुल नींबू के उसकी मसाले की तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। तो पहले ठंडा होने दिया। हाँ तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये गुड़ डालने के बाद इसमें चीनी नहीं डलेगी, क्योंकि इसमें ना गुड़ का जो टेस्ट है पौष्टिक भी होगा और अलग बहुत मतलब टेस्टी भी लगेगा। तो इसमें हम चाहे तो चीनी भी डाल लें, खांड मतलब जो भी आपको डालनी हो, पर जो गुड़ का टेस्ट होगा वो उसमें मतलब जो कलर आओगा टेस्ट होगा वो इसमें नहीं होगा जो चीनी वाले में है। तो इस हमारे और सर्दियाँ मत है गुड़ ये है कि हाँ सबसे अच्छा रवा है, तो इस हमारे ताज़ी गुड़ है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है गुड़। गाइज मसाला हो गया है ठंडा, और अब इसमें डाल दूंगी मैं गाजर। इसमें डाल रही हूँ मैं ये गाजर।
और इसमें डालूंगी मैं जो ये खाने वाला छिड़काव है थोड़ा सा, ये जिससे कि ये कई दिन चल जाएगा, ख़राब ना होगा। छिड़काव डालने से ये ख़राब नहीं होगा। एक बार इसमें मिक्स कर दूँ हूँ। हमारा अचार तैयार, देखो बहुत ही मतलब खाने में भी टेस्टी होगा और दिखने में भी। देखो ये हो गया गाइज हमारा अचार तैयार। और दीक्षा ने दिखा दूँ मैं, देख दीक्षा खा के बता कैसा लगा। मजा आ गया जिंदगी के स्वाद। अच्छा बने रहा, फुल टेस्टी है। और क्या, अभी से टेस्टी लग रहा है, पूरा रेडी होने के बाद क्या लगेगा, क्या कर दूँगा। सही बन रहा, फुल टेस्टी है। सही चटपटा है ना, नमक नमक सही है, सब एकदम परफेक्ट है, अभी से टेस्टी लग रहा है, बाद में क्या लगेगा। ये क्योंकि सलाद का वो है ना, तो इतने पहले अभी खास का है और एक दो दिन में खाऊंगे तो इतना और गड़कन और टेस्टी हो जाएगा यू, और अभी भी खा सका, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारी चीज बूंद रही है। हाँ अच्छी लगी है, ये रोटी के साथ खा लिए है ना, सलाद है और सब्जी आई रे। चलो गाइज अचार हो गया है मेरा तैयार, और एक बार आप अपने घर पर ट्राई जरूर करना क्योंकि खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। और जब हम पहले गांव में रहा करते छोटे छोटे थे तो मेरी मौसी बनाया करती, फिर मतलब उन्होंने डाल के बेचा था, हमने यूँ लगा लिया, उन्हें 5-6 किलो बेचा था हमने लूखा बिना उसके, ऐसे खा खा कर ना, और वो यूं मैं ख़त्म कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी था अचार। और उसके बाद फिर मैंने मौसी पे सीखा था, तो मैंने फिर खुद ट्राई करा बना के देखा, तो हकीकत में मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब बना है। तो मैं हर साल बनाया करूँ हूँ ये, और अब की बार मैं टाइम नहीं लग पा रहा था, फिर सोचा कि क्या कह रही थी कि मम्मा वही वाला अचार डाल दो, तो फिर आज मैंने सोची फाइनली डाल ही दूँ, थोड़ी तबीयत सी डाउन थी, फिर भी सोचा चलो आज डाल कर न आर किस्सा ख़त्म करूँ। अब ये है ना कि ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं मेरे को पता, क्योंकि ये मैं खुद भी मतलब ऐसे आती जाती वैसे ही खाती रहा करूँ, और शिक्षा भी, तो ये कि जैसे 2-4 दिन चलेगा सलाद तो थोड़ा सा खाते टाइम बाढ़ के भी सोचा हाँ वैसा लगा है, ये थोड़ा चटपटा भी होगा और मतलब एक्स्ट्रा खाई जाएंगी, बढ़िया पौष्टिक वैसे रवा है तो वैसे। और अभी वैसे रोटी बना दी हूँ और सब्जी बिल्कुल सिंपल सी आलू फ्राई करे थे, तो अब खा पी ला हाँ और अचार के साथ में, बाकी 2-3 दिन में बढ़िया तैयार हो जाएगा, फिलहाल ये अभी बनाया है, तो वैसे हमें खास का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने घर पर जरूर ट्राई करना, और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, फुल सपोर्ट करना। और